पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन फरीदाबाद से। संवाददाता दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। बीजेपी 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 राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी बीजेपी। सुमित जी, क्यों आज आप लोग सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, क्यों आज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 9 साल से हर जिला मुख्यालय पे समय समय पे आम जनता के हक आवाज की लड़ाई लड़ती आई है और 9 साल हो गए लड़ाई लड़ते तो कांग्रेस पार्टी आज ये कोई आप जो कह रहे हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी यहाँ सड़कों पे आई है वो जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है, जो राहुल गांधी जी जैसे नेता को जो इस देश की आवाज है, जो आम जनता की आवाज है और जो व्यक्ति इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना करता है, उस आवाज को एक दबाने का ये बीजेपी का एक कथक जो बीजेपी प्रयास कर रही है उस आवाज के खिलाफ, बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ और जो ये अपना बीजेपी पार्टी है इनकी सारी बातों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी जी का मुद्दा तो है ही है, लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों से सड़कों पे है। जब से इस बीजेपी सरकार ने शासन संभाला है और ये कुशासन वाली सरकार है, ये हिटलरशाही सरकार है जो तुगलक की फरमान जारी करती आ रही है, जो हर आवाज को विपक्ष की किसी भी पार्टी की आवाज हो जो उसको दबाने का प्रयास करती है, जो उसको कुचलने का प्रयास करती है, ये उस पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी की जो हिटलरशाही फरमान है उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का ये हमारा प्रदर्शन है। फरीदाबाद जिले में आज का ये जो हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान आज के प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे और आज समस्त कांग्रेस जन एक बार फिर से सड़कों पर है। आज पूरे फरीदाबाद के समस्त कांग्रेस जन आप दिखाई दे रहे होंगे आज इस बीजेपी सरकार के, और जब तक इस बीजेपी सरकार को इस देश में प्रदेश से हम नारा नहीं करेंगे तब तक ना झुकेंगे हम ना रुकेंगे हम इस बीजेपी सरकार को। जी जी देखेंगे, ललित जी भी मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे, क्यों आप लोगों ने मोर्चा आज खोला हुआ है, कैसे संबोधन करना चाहेंगे? देखिए, गुजरात गुजरात न्यायालय में श्रीमान राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में ये दोबारा उनको मानहानि में किसी को इतनी मैक्सिमम सजा नहीं हुई। जी जी, और मैक्सिमम सजा करने के बाद पहले ही छोटी कोर्ट से सजा होने के बाद तुरंत उनके घर को खाली करवाया गया, उनके मेंबरशिप उनको बीजेपी 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 कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी संघ।